जी हाँ दोस्तों, जब भी अच्छे एक्सचेंज की बात करें तो हमारे दिमाग में एक एक्सचेंज आता है, वो है बाइनेंस। और आज से एक दो साल पहले की बात करें तो सबसे पहला एक्सचेंज अगर कोई दिमाग में आता था तो वो था वजीरेक्स। लेकिन करीब एक दो साल से वजीरेक्स सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे एक तो रीज़न है गवर्नमेंट, और दूसरा रीज़न है कि जो बाइनेंस ने इसके वॉलेट्स को हैंडल किया हुआ है और इसका WRX का बर्न भी नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वजीरेक्स के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम P2P या फिर नॉर्मल वर्किंग के लिए भी वजीरेक्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो आखिर हमारे पास एक ही सोल्यूशन बचा था, वो था कि हम बाइनेंस का P2P यूज़ करें, बाइनेंस के ऊपर ही ट्रेडिंग करें, TDS भी नहीं देना पड़ेगा और P2P के द्वारा बहुत ही आसानी से पैसा डालो और पैसा निकालो, ये काम बहुत आसानी से चलता रहेगा। ये यहाँ तक हमारी सोच थी, लेकिन इसके बाद क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी बाइनेंस के ऊपर, जो मैं आपको आज के दिन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि बाइनेंस के ऊपर स्कैम्स फ्रॉड्स हमारे साथ होते रहते हैं, एक रेगुलर ट्रेडर के साथ भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं क्योंकि हमारे अकाउंट फ्रीज ही हो जाते हैं। अब अकाउंट फ्रीज होने के पीछे कारण क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा एक और केस सामने आया जिसमें बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा था बाइनेंस को यूज़ करके, जो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हम बाइनेंस को वजीरेक्स के साथ इस चीज़ में कंपेयर भी करेंगे P2P के लिए कि क्यों हम बाइनेंस को यूज़ नहीं कर सकते या वजीरेक्स को यूज़ करना चाहिए और लॉस कितना हो रहा है, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पहुँच रहे। लेकिन क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए, क्विक अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करेंगे और टाइमली एक्शन भी ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो न्यूज़ सामने आई है वो डिस्कस करने के बाद आपको मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए। तो बाइनेंस क्रिप्टोकरेंसी जो एक ऐप है उसके ऊपर P2P जो रहता है, P2P को यूज करके किसी ने ठगी करी है, किसी ने फ्रॉड किया 2 लाख रुपए का। और वो फ्रॉड करने के साथ साथ ये जो 2 आरोपी थे वो सामने भी आ गए, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ इन्होंने यही फ्रॉड नहीं किया है, इससे जो बड़ी चीज़ है जो दिल दहला देने वाली है वो ये कि ये सिर्फ 1500 रुपये में हमारा बैंक का डाटा खरीदते थे। हमारे बैंक का डाटा अगर ये खरीद सकते हैं सिर्फ 1500 रुपये में, तो हमारे ये बैंक के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई भी चीज़ कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो रायपुर छत्तीसगढ़ के ये 2 आदमी हैं जिन्होंने ये ठगी करी है और आखिर में ये गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अब इनके पास कई बैंकों की पासबुक्स मिली हैं, कई ऐसे अकाउंट्स भी मिले हैं, ATM कार्ड्स भी मिले हैं, इसी के साथ साथ 5 मोबाइल नंबर्स भी मिले हैं। अब इन्हीं मोबाइल्स के अंदर इन्होंने क्या किया, कई लोगों के पैन कार्ड्स जमा किए हुए हैं, कईयों के आधार कार्ड रखे हुए हैं, 50 से ज़्यादा email IDs इन्होंने रखी हुई, यानी कि पूरा के पूरा डाटा इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। अब ये चीज़ होती कैसे है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक जो सिंपल है वो ये कि ये टेलीग्राम के ऊपर जाते हैं, वहाँ सिर्फ 10,000 रुपये में इनको बैंक अकाउंट, ATM कार्ड डिटेल्स, साइन किए हुए चेकबुक्स और बैंक अकाउंट्स के साथ जो लिंक्ड सिम कार्ड्स होते हैं, यानी कि जो नंबर्स होते हैं, वो सब कुछ इनको सिर्फ 10,000 रुपये मिल जाते हैं। अब अगर इतना आसानी से डाटा मिल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अगर उसकी नीयत ख़राब होती है तो। ये तो बात हो रही है सिर्फ टेलीग्राम की, जहाँ पे ऐसा डाटा सेल किया जा रहा है, जहाँ पे हमारे इंडियंस का भी डाटा सेल किया जा रहा है। और ये चीज़ सिर्फ टेलीग्राम के ऊपर ही नहीं होती, ये डार्क वेब में भी होती है, डी वेब में होती है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। आप थोड़ा सा कुछ परसेंट बिटकॉइन दो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी दो और उसके बदले में आपको ऐसी डिटेल्स मिल जाती हैं। लेकिन जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो ऐसे गलत काम करते हैं, हालांकि हमें ऐसी कोई डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। अब इससे क्या कि हमें थोड़ा डर कर रहना चाहिए, हमें अपनी सिक्योरिटी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बढ़ानी चाहिए, जो 2FA होता है यानी कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो लगा के रखना चाहिए, गूगल ऑथेंटिकेशन लगा के रखना चाहिए। आपका अगर विड्रॉल होता है तो वहाँ पे OTP सिर्फ ईमेल के ऊपर नहीं, मोबाइल के ऊपर, इसी के साथ साथ गूगल ऑथेंटिकेशन, ये तीनों के तीनों OTPs लगने चाहिए, तभी आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, यानी कि आपने अपनी तरफ से पूरी सिक्योरिटी लगाकर रखनी है। तो ये भी आप नोटिस करो कि ये जो शिकायत करी गई थी ये 21 मार्च को करी गई थी और अभी जाकर इनका सलूशन हुआ है, यानी कि 2-3 महीने का यहाँ पे टाइम लगा है इनको सामने लाने का। और आपके भी अकाउंट्स अगर ऐसे प्रॉब्लम आती है या फिर फ्रीज हो जाते, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कई महीनों का चक्कर आपको पड़ सकता है। अब एक्चुअल में हुआ क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोई ट्रेडर था जो बाइनेंस ऐप के ऊपर USDT खरीदना चाह रहा था और उन्होंने P2P के ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, सेलर को ये ऑर्डर मिला जो कि इन्होंने 2 लाख रुपए के USDT खरीदने थे, और इसी के बदले में उन्होंने अकाउंट नंबर दे दिया कि आप इस अकाउंट नंबर में अपना जो अमाउंट है, रुपीज़ है, वो ट्रांसफ़र कर दो।
तो इस स्कैमर ने क्या किया कि पैसा जैसे रिसीव हुआ, इन्होंने उनके नंबर के ऊपर डायरेक्ट अननोन नंबर से कॉल करी और बोला कि आपको जो यूएसडीटी सेंड करने थे वो ब्लॉक हो चुके हैं, वो क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉक हो चुकी है और वो आपको पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन बात यहां तक नहीं थी, इन्होंने कहा कि आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए ताकि मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूं। अब ऐसा आपको भी कभी भी नहीं करना है कि आप अपने किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है और आप कैंसिल कर रहे हो, तो इन बातों में आपने आना ही नहीं है, क्योंकि बाइनेंस एज ए इंटरमीडियरी काम कर रहा है तो उसको अपना काम करने दीजिए। वहां पे आपने कंफर्म करना है पेमेंट आई है या नहीं आई है, वो अपने बाइनेंस के ऊपर ही करना है। कोई भी आपको मैसेज करता है, कॉल करता है, आपने कभी भी उसका रिस्पांस नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिनके साथ स्कैम हुआ है उन्होंने सेलर की बात मान ली और ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो इसके बाद ना तो उनको क्रिप्टोकरेंसी मिली और ना ही अपने पैसे वो वापस ले पाए, यानी कि धोखाधड़ी के केस में ये फंस चुके थे। तो कुछ दिन छानबीन होने के बाद ये लोग सामने आ गए थे। तो ये जो मामला है वो आप तक मैंने आज पहुंचाया है क्योंकि आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने हमेशा सावधान रहना है क्योंकि बाइनेंस के ऊपर इससे भी बड़े धोखे हो रहे हैं, जहां पे आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके साथ स्कैम हो जाता है, आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। अब इस खबर को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और ना ही मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। हम वापस आते हैं वज़ीरएक्स के ऊपर और बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस के ऊपर सबसे बड़ी जो एक्चुअल प्रॉब्लम चल रही है वो ये चल रही है कि आपका यहाँ पे जो यूएसडीटी बिक रहा है वो तो यहाँ पे 90 रुपये में आप बाय कर रहे हो और बेच पा रहे हो लगभग 88 रुपये में, जो कि बहुत ही महंगा है, अच्छा प्राइस है, अच्छे प्राइस के ऊपर हम बाय सेल कर सकते हैं। और वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे वज़ीरएक्स के ऊपर, यहाँ पे 88 रुपये बाय चल रहा है और सेल चल रहा है 89 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं बाइनेंस के ऊपर? प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप किसी के द्वारा INR सेंड किए गए रिसीव करते हो, वहाँ पे दो केस हो सकते हैं। एक तो यह कि बिल्कुल क्लियर कि ठीक है, पैसा आपने रिसीव किया, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आपका जो P2P है बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दूसरा यह कि आपको पैसा रिसीव हुआ लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर, लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। उसका मेन रीज़न ये है कि जिन्होंने आपको पैसा सेंड किया, शायद उनके पास जो पैसा रिसीव हुआ था उनके बैंक अकाउंट में, वो पीछे जिन्होंने उनको सेंड किया था वो कोई स्कैमर था या फिर वो कोई फ्रॉडस्टर था, उसने पैसे कहीं ना कहीं से लूटे थे और बाइनेंस एक्सचेंज के द्वारा उसने अपने पैसे क्रिप्टोकरेंसी में एक्सचेंज कर लिए और वही पैसा किसी ना किसी तरीके से आप तक भी पहुंच गया। और अगर आपने अपना पैसा एक और अकाउंट में डाल दिया तो वो दोनों के दोनों अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। तो ये चीज बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और इसका मेन रीजन ये है, ये बाइनेंस P2P के ऊपर ही क्यों हो रहा है, इसका मेन रीजन ये है कि बहुत सारे जो स्कैमर्स हैं वो ट्राई करते हैं कि बाइनेंस के ऊपर ये सब करें, वहां पे ना तो TDS देना पड़ेगा, ना टैक्सेस का चक्कर पड़ेगा और आइडेंटिटी भी कुछ हद तक सेफ रहती है। यहाँ हालांकि इतनी नहीं रहती क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो स्कैमर सामने आ चुके हैं, तो कोई भी स्कैम करता है तो सामने तो आ ही जाएंगे। लेकिन P2P के स्कैम में बहुत बार ऐसा होता है कि आपका अकाउंट वैसा के वैसा फ्रीज ही रह जाता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए बहुत लोग चाहते हैं कि या तो डायरेक्ट नेट बैंकिंग अलाउ कर दे, UPI अलाउ कर दी जाए, या फिर कुछ और भी अच्छा तरीका आए सामने, या फिर रेटिंग आए। यहाँ पे रेटिंग चाहे अच्छी क्यों ना हो, प्रॉब्लम ये आती है कि उस जिस बंदे की रेटिंग अच्छी है उसको पैसा भी हो सकता है किसी स्कैमर के द्वारा ही पहुंचाओ, जिसकी वजह से आप सभी के इस चेन में जितने भी लोग आएंगे उन सबके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। अब आखिर में ऑप्शन बचा है जो वज़ीरएक्स का P2P है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप इसको यूज़ करते हो तो यहाँ पर TDS भी लगता है। अगर आप TDS पे करोगे तो बहुत सारा अमाउंट यहाँ पे आपका कट जाता है। दूसरा है कि यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा लग जाती है, फीस के बाद आपको जो अमाउंट रिसीव होता है वो बहुत कम रह जाता है, और अगर आप डायरेक्टली बैंक में विड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर फीस काफ़ी लग जाती है, रेट बहुत कम मिलता है। लगभग अगर वैसे रेट चल रहा है 90 रुपये तो आपको 84-85 रुपये मिलेगा, यानी कि 4-5 रुपये का फर्क पड़ सकता है, कम से कम 2-3 का तो पड़ते ही पड़ता है, जिस कारण हम कहीं के भी नहीं रह जाते, ना तो बाइनेंस के ना वज़ीरएक्स के। तो ये माहौल चल रहा है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ और भी बताना चाह रहा था कि वज़ीरएक्स ने कुछ इन्वेस्टिगेशन टीम्स को ट्रेनिंग भी दी है, लेकिन वो इस वीडियो में फिर से कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। इसके अलावा अगर आपका कोई ओपिनियन है, आपकी कोई सजेशन है, नीचे कमेंट कर दो, या फिर आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, वो भी नीचे कमेंट कर दो, ताकि मैं ये जो आपकी आवाज़ है यूट्यूब के द्वारा मैं गवर्नमेंट तक या फिर एक्सचेंज की तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो भी सावधान हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमेशा हर एक वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि उसी से मुझे और मोटिवेशन मिलता है आप तक रेगुलर वीडियोस पहुंचाने का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक बाकी वीडियोज़ भी हमेशा सबसे पहले पहुँचें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।